भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयला घाट के समीप एक महिला पंखे से लटकी पाई गई। कमरे का दरवाजा खुला था। मृतिका के पैर घुटनों के सहारे पलंग में सटा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा का स्विच ऑफ था। यह देखते ही मृतक महिला के परिजन काफी आक्रोशित हो गए, जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, अब तो मृतिका के ससुराल वाले मृतिका के परिजन को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यह सारी बातें मृतिका की बड़ी बहन रुचि कुमारी ने बताया। उन्होंने कहा कि पहले मेरी बहन को मार डाला, अब मेरे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। इसको लेकर हम लोग जोगसर थाना न्याय की गुहार लगाने और अपनी रक्षा के लिए आवेदन देने आए हैं। साथ ही मेरी बहन के साथ इन लोगों ने जो किया, इसके लिए इन्हें गिरफ्तारी हो, इसके लिए भी गुहार लगाने पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि परिजन को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। घटना 11 दिसंबर सोमवार तकरीबन 8 बजे शाम की है। मृतिका रचना कुमारी की शादी 6 वर्ष पहले कोयलाघाट के गौतम कुमार उर्फ पिंटू के साथ हुआ था, जिसकी 3 वर्ष की पुत्री भी है। मृतिका रचना कुमारी के पिता बरारी पश्चिम टोला के रहने वाले ललित नारायण मंडल है और माता सुनैना देवी की पुत्री है। अब ललित नारायण मंडल का पूरा परिवार ससुराल वालों से डरे और सहमे हुए हैं। हो गया है, जिसके आवाज में अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कैसे मृत्यु उनका गला घोट कर मार दिया गया है सर, और उसको आत्महत्या का रूप दे दिया गया है। उसको आत्महत्या का, वो मेरी बहन आत्महत्या नहीं की है, उनको आत्महत्या का रूप दे करके पूरा परिवार मिलके छुपा रहा है। उसके बावजूद मैं यहाँ फिर से आवेदन देने आई हूँ, क्यों मैं यहाँ आवेदन देने आई हूँ और रिक्वेस्ट करने आई हूँ ये कि घटना को 3 दिन हो गया, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और उसको मैं जब उसका क्रियाक्रम मैं कर रही थी श्राद्ध क्रम घाट पे, तो दिलीप यादव मेरे बहन के पति के छोटे वाले भाई हैं, जो उनके द्वारा बार बार धमकी दिया गया कि अगर आप ऐसे करिएगा तो हम आपकी बेटी, जिसके लिए आप इंसाफ मांग रही हैं, एक बहन तो चली गई, जिस बेटी के लिए आप इंसाफ मांग रहे हैं वो बेटी को भी हम इस दुनिया में नहीं रहने देंगे, और आप लोग अगर थाना में जो FIR किए हैं उसको वापस नहीं लेते हैं तो आप ना आप काम कर पाइएगा घर ऑफिस जाके, और ना ही आप किसी कथित में भागलपुर घूरने लायक रहिएगा, और कुछ दिन में आपका पूरा परिवार या तो आपका या तो आपके पिताजी का इसी तरह से श्राद्ध क्रम कर रहा होगा। डर लग रहा है, मैं इसीलिए थाने में आधे घंटे से बैठी हुई हूँ। FIR हो गया है, उसी दिन रात में 1 बजे हुआ है। ये दिलीप यादव कौन है? दिलीप यादव उसका छोटा भाई है। मेरी बहन फंदे से लटकी हुई थी सर, और वो हंस रहा था और बोल रहा था, वो लोग बार बार। क्या नाम है? मेरे बहनोई का नाम गौतम कुमार उर्फ पिंटू है, घर का नाम पिंटू। ये घटना परसों रात की है। मेरा नाम रुचि कुमारी हुआ, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। हम लोग को मेरी बहन द्वारा कोई भी बात ये नहीं बताया गया था उस दिन कि मेरे साथ ऐसा घटना होगा, ना ही मेरी बहन अच्छे से बात कर रही थी, और जब भी बात कर रही थी तो उसका हस्बैंड मौजूद रहता। शादी का झांसा देकर महीनों युवती से किया यौन शोषण, अब कर रहा है शादी से इनकार। युवती न्याय की गुहार लगाने पहुंची DIG के कार्यालय। गांव के 21 वर्ष के युवक को 18 वर्ष की युवती से मोबाइल पर बात करते करते प्यार हो गया। युवक ने शादी का झांसा देकर महीनों उसके साथ यौन संबंध बनाया। जब यह बात घर वालों को पता चली तो लड़के के घर वाले शादी से इनकार कर दिए। अब न्याय की गुहार लगाने के लिए लड़की DIG के कार्यालय के चक्कर लगाती दिख रही है। युवती बांका जिला के धरैया के चपरी की रहने वाली है। अब वो इंसाफ के लिए प्रशासन से गुहार लगाते दिख रही है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए युवती ने लड़के को झूठा शादी का झांसा देने को लेकर गिरफ्तार करने की मांग की है। एक लड़का साथ हम बात कर लिए, 1 साल बात कर लिए, मैं लड़का अंकल के शादी कर वो मैं भाई हो जाए तब पूना के लिए माई के लिए वो हमरे रूम पर वे लगले, खाना पीना माई खावे लगले, भगावे लगले, गोड़ पकड़े लगले, कल के शादी कर वो एक सब अम हमारा 2 महीना अमल रही गलो ले मकलिए मथम दर्द चपन दवा खिलाए दिल के अमल खराब हो गए मोस लड़का अले तो हमरो बुला के मोस कल के या ना शादी करबो न अले इनकार करे लगले कहे लगले ना करबो शादी शादी पंचायती बैठा लिए ना अले वो लड़का अपने पिताजी अले कल के ना कर दो शादी जो अंश करना हो तो जो कर ही लियो हमारा मो घर बोला के लग लगे कल के चल शादी करबो मो हमारा मार लगे घर में बंद करी कर पिताजी ना रो अम्मी ना रो उसी में नो घरों से भगा दिल के धमकी दिल के कल के केस करबो तोरा जिंदा दफनिया देबो हमारा अमीर चले सोना और चंदी फुसला के ले के कल के शादी करबो दे अब कबे लगे ना करबो शादी केस कर ले चमो थाना में 1 तारीख तक
कुछ चुना सुन भाई और लो यार शादी एक तारीख केस कर ले हम चाहे चे इंसाफ उसी साथ रहना चाहती हो हाँ शादी कर बे क्रिस हम इन दोस राज का शादी कर ले तेरे साल और लड़की थी। बिहार में अक्सर शादी विवाह में नर्तकियों की अश्लील डांस का आयोजन किया जाता है। ऐसे में कई बार कानून के उल्लंघन का मामला सामने आता है। यहां ग्रामीण इलाकों में विवाह के मौके पर देसी कट्टे के साथ नर्तकियों ने जमकर ठुमके लगाए हैं, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल भागलपुर जिले की सुल्तानगंज में देसी कट्टे के साथ नर्तकियों के अश्लील डांस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृष्णानंद स्टेडियम में सामूहिक बाल विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 30 जोड़े की शादी की गई। इस दौरान नर्तकियों के नृत्य का भी आयोजन किया गया था। इसी में नर्तकियों के अश्लील डांस का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआ चक के वर्तमान मुखिया मुकेश मंडल ने गांव के ही सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम पर इसी गांव के सरपंच जवाहरलाल यादव ने मेरे और मेरे परिवार पर लगातार तीसरी बार जानलेवा हमला कराया है। हम लोग काफी डरे सहमे हुए हैं, जिसको लेकर आज मुखिया मुकेश मंडल अपने जान माल की गुहार लगाने DIG कार्यालय पहुंचे और आवेदन सौंपा। मामला जमीन को लेकर प्रकाश में आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सरपंच मुखिया पर इस तरह जानलेवा हमला क्यों कर रहा है, या फिर मुखिया मुकेश मंडल खासकर सरपंच को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। हालांकि मुखिया मुकेश मंडल के आवेदन के हिसाब से अभी तक सरपंच के किन्हीं लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है। 4 तारीख के शाम में हमारे साथ में जो घटना घटा है उसी के संदर्भ में हम DIG साहब से मिलने के लिए आए हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरे 3 बार ऊपर अटैक हो चुका है, 1 साल में 3रा बार। वहीं के वर्तमान सरपंच जवाहरलाल यादव मेरे ऊपर 3रा बार हमला कर चुका है। इसी लेकर के मेरे पूरे परिवार सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। आज हम अपना सुरक्षा के गुहार लेकर के DIG साहब के पास आए हुए हैं और उसको यही हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी हो। अपने असुरक्षित महसूस हम कर रहे हैं, कभी भी मेरा हत्या कर सकता है। और कौन कौन से लोग हैं जिसे जवाहर यादव है, और कौन कौन से लोग हैं जिसके द्वारा आपको सताया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है? उनके भाई है सहयोगी, उनका बेटा है, सभी लोग। नज़दीकी थाने में कभी गए थे? नज़दीकी थाने में गए थे, FIR भी हो चुका है उन लोग पर। अगर कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई भी हो रही है। आखिर आप चाहते क्या है? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमको उचित न्याय मिले और हमें और हमारे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत बलवा चकपुरानी प्रखंड जगदीशपुर जिला भागलपुर। फेक है, गलत है, वो अपने बचने के लिए ये सब मामला कर रहा है और ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपने से वो बैक डेट में स्टाम्प लेकर के उसमें दिया है कि हम 22 लाख में ज़मीन बेचे हैं और 15 लाख रुपया उसको एडवांस किए हैं, 7 लाख नहीं दे रहा है, न ज़मीन हमको लिख रहा है, जबकि वो ज़मीन का वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपया है। अब बताइए 1 करोड़ का ज़मीन कोई 22 लाख में क्यों बेचेगा? अगर उसके पास प्रूफ है, प्रूफ दिखाए, प्रूफ बोल रहे हैं नगद है, नगद बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सबसे दुखद ये बात है कि 4 दिसंबर की घटना है और अब तक कोई भी सदस्य जिसमें नामजद है अब तक नहीं पकड़ा गया है। सबसे दुखद इसको लेकर के हम
थाना प्रभारी से मिले, हमारे आईओ से मिले और आज डीआईजी साहब से मिलने के लिए आए हैं। हो सके तो एसएसपी साहब से गुहार लगाएंगे कि हमारे पूरे परिवार को जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया करा जाए, आरोपी को पकड़ा जाए। क्या लगता है अगर सुरक्षा नहीं मिला तो क्या आप लोग किसी भी समय हत्या हो सकता है, क्योंकि एक साल में 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है। इस बार तो वो लोग पिस्टल से वार किए हैं, तो ग्रामीण लोग नहीं दौड़ते तो जान चला जाता है, तो ग्रामीण लोगों का काफी सहयोग जान बच पाया। अंग जनपदीय धरोहर की लोक गाथा भ्यूला बिहसरी पर आधारित लोक कला मंजूसा पेंटिंग भागलपुर समेत अंग क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान रखती है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। लेकिन आज अपने ही घर में मंजूसा पेंटिंग उपेक्षित दिख रही है। एक तरफ जहां कला संस्कृति युवा विभाग व जिला प्रशासन की ओर से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में मंजूसा लोक कला को बढ़ावा देने के लिए मंजूसा महोत्सव मनाया गया, वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के तहत भागलपुर के सौंदर्यीकरण के नाम पर मंजूसा पेंटिंग की जगह 3D पेंटिंग बनाई गई है। इतना ही नहीं, भागलपुर स्टेशन में भी अंग जनपदीय लोक कला मंजूसा को ना बनाकर मिथिला पेंटिंग उकेरी गई, जिससे अपने घर में ही मंजूसा पेंटिंग उपेक्षित दिख रही है। कई सरकारी दीवारों पर मंजूसा पेंटिंग बनाई भी गई थी, लेकिन उसे भी रंग रोगन कर समाप्त कर दिया गया, जिससे स्थानीय मंजूसा के कलाकारों में रोष दिख रहा है। लोक कला मंजूसा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के क्षेत्रीय कलाकार एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। अंग जनपद के कलाकार मंजूसा बनाकर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, तो देश विदेश में मंजूसा पेंटिंग की अलख जगा रहे हैं। लेकिन अपने ही घर में अगर इस कला को उपेक्षित किया जाएगा तो यह कहां तक सही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कला संस्कृति युवा विभाग और जिला प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेती है। क्या शहर की दीवारों पर मंजूसा की जगह सिर्फ 3D पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग ही दिखेगी। इसको लेकर भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि 3D पेंटिंग के साथ साथ लोक कला को बचाने के लिए यहां के क्षेत्रीय कलाकारों से मंजूसा पेंटिंग दीवारों पर फिर से उकेरी जाएगी। नई जो आज के दिन में हमारी जो तकनीक है उसका एक विकास स्वरूप है, उसको भी आगे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन लोकल कलाकारों को हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। आपको मालूम है यद्यपि 7वीं शताब्दी की थी, अंग्रेज़ों के समय में थोड़ा इसको बढ़ावा दिया गया, लेकिन बाद में सुसुप्ता अवस्था में आ गया। फिर 1980 में जो राज्य सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा इसको उठाया गया, बढ़ाया गया 2007 में इसको, और अब नियमित रूप से इसको इस तरीके से किया। थोड़ा कोरोना के कारण से कुछ दिनों की ये शिथिलता हो गई थी, लेकिन निश्चित रूप से लोकल कलाकारों के लिए और 3D कहीं भी कलाकार आज के दिन भी आप हम लोग सब लोग जानते हैं कि मोनालिसा पेंटिंग जो लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने बनाया था, उसकी जो आज के दिन में फ्रांस के म्यूजियम में रखी गई है, कोई भी 3D पेंटिंग उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। लोकल कलाकार, उनकी मेहनत, उसको कोई भी 3D पेंटिंग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। वो जो सही जो मेहनत है वो अनुपम कलाकृति है, और हम लोग उसको संजो कर उसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मंजूसा कला के कलाकार मंजूसा गुरु मनोज कुमार पंडित ने कहा कि हम लोगों को काफी दुख है कि मंजूसा की जगह 3D पेंटिंग शहर की दीवारों पर बनाई जा रही है। ठीक है, हम लोग स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन अपनी अंग जनपदीय धरोहर की लोक कला को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि भागलपुर के विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय के दीवारों पर फिर से मंजूसा कला बनवाया जाए, जिससे आज के युवा भी इसे बारीकी से जाने और इस कला में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे। जरूरत नहीं है, यहाँ के हवो हवा में बसती है मंजूसा कला, अपनी संस्कृति और अंग की संस्कृति काफ़ी समृद्ध रही है। तो अगर 3D की बात कर रहे हैं तो 3D जब कम लोक कला, फोक आर्ट 3D की मदर है, तो सबसे पहले उसकी मदर को तवज्जो देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और मॉडर्नाइजेशन होना भी ज़रूरी है। मॉडर्न भी बनिए लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। और मंजूसा की उपेक्षा हुई है, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को, बिहार सरकार, भारत सरकार और नगर निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी के प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि आप स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति को मत छोड़िए, अपनी संस्कृति को ध्यान दीजिए। आने वाले पीढ़ी को हम अपना संस्कृति हस्तांतरित नहीं करेंगे तो हम विलुप्त हो जाएंगे, इसलिए अपनी संस्कृति को बचाने में सहयोग कीजिए और स्मार्ट सिटी में 3D के साथ साथ मंजूसा कला को सम्मान दीजिए। हमें विश्वास है कि आगे भी अब 3D जितना होना था हो गया, अब पुनः हम
अपनी संस्कृति की ओर अग्रसर होंगे और सरकार और डिपार्टमेंट भी इसमें ध्यान देगी और हम भी जाएंगे प्रशासन से बात करेंगे, और क्योंकि अगर यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा, अगर मंजूषा कला होगा तो कला भी समृद्ध होगी और कलाकार भी समृद्ध होंगे। स्टेशन रेलवे स्टेशन पे मंजूषा के बदले मिथिला पेंटिंग बनाया गया है, क्या कहेंगे? जब मंजूषा के बदले मिथिला पेंटिंग बनाई गई थी तो यहाँ के कलाकारों ने आवाज़ उठाया था, हम लोग भी प्रशासन से रेलवे से मिले थे तो फिर मंजूषा को स्थान मिला था। इसी तरह अब हमारे शहर में भी अंग प्रदेश की जो आत्मा है भागलपुर, तो यहाँ भी जगह मिलेगा, ये हमें विश्वास है। बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना अंतर्गत मशरूम उत्पादन एवं प्रसंस्करण किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का दो दिवसीय आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण भागलपुर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा में आयोजित की गई, जिसमें किसानों को मशरूम उत्पादन के बारे में कई तकनीक को विस्तार से बताया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो सत्र में आयोजित की गई। पहले सत्र में मशरूम को कुशलतापूर्वक किस तरह उत्पादन किया जाए इस पर चर्चा की गई। उसके बाद सी विलिविंग का सत्र आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को खेतों में ले जाकर उत्पादन कैसे हो रहा है उस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही मार्केटिंग और पैकेटिंग पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मशरूम से जुड़े किसान अब जिला ही नहीं अन्य राज्यों में विस्तार पूर्वक अपने मशरूम का व्यवसाय कर सके। सरकार के द्वारा आयोजित दो दिवसीय मशरूम उत्पादन तकनीक का शिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें किसानों को मशरूम के उत्पादन के बारे में विस्तार से हम लोग जानकारी देंगे, जिसमें दोनों चीज़ें हो रही है। जो पहले तो तकनीकी सत्र चल रहा है जिसमें हम लोग जानकारी दे रहे हैं उनको, और जब ये सत्र होगा तो उसके साथ साथ हम लोग उन लोगों को सीइंग बिलीविंग करके दिखाते हैं कि जो देखता है उस पर भरोसा होता है। तो वहाँ खेतों में जा कर के और कुछ जगह वहाँ पर जिस तरह से ये किया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग, वो भी इसमें रखा गया है आज से कल तक में। तो ये सभी तीनों चीज़ों को समावेशित किया गया है ताकि जो लोग यहाँ आए वो प्रशिक्षण में पूरी तरह से समझ सकें कि हमको करना क्या है और किस तरह से। इसके बाद इसके उत्पादन की तकनीक के साथ साथ इसके मार्केटिंग पर भी फोकस किया जा रहा है कि ताकि जब वो उत्पादन करेंगे तो बाज़ार में किस तरह से आएगा, उसकी पैकेटिंग कैसे करेंगे, बाज़ार भाव उसका किस तरह, किससे उसकी रखरखाव करेंगे, कैसे ज़्यादा दिनों तक उसको संरक्षित रख सकते हैं, उनके अन्य उत्पाद किस तरह से हम बना सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करके उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और तब जब सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं में जो उद्यान विभाग से हैं उसको उससे लाभ देने के लिए सबको जोड़ा जाएगा और उन लोगों को उनसे लाभान्वित किया जाएगा कि शुरुआती दौर में लोगों को ये भरोसा हो कि इस तरह से है कि सरकार की योजना है, उससे लेके जब लाभ उठाएंगे उसमें उनकी लागत अपनी नहीं लगेगी, सरकार के सहयोग से अनुदान से जब उसको कराया जाएगा और तब जब उसकी बिक्री होगी तो उनको लगेगा कि इससे इस तरह से ये आमदनी हो रही है, तब अपने स्तर से जब वो परचेज करके खुद उत्पादन शुरू करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं ये कर सकते हैं। और चूँकि ये प्रोटीन का शाकाहार के लिए बेस्ट सोर्स है, इससे बेहतर कोई सोर्स हो नहीं सकता। IPL की तर्ज पर BCL सीजन 2 का 10 दिवसीय लीग मैच का आयोजन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में प्रारंभ हो गया। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं और सभी टीमें भागलपुर की हैं। उद्घाटन मैच के दौरान मिर्जान हाट और बुरहानाट की टीम आपस में भिड़ी। मैच के उद्घाटन में लॉ एंड ऑर्डर DSP गौरव कुमार, यातायात DSP आशीष सिंह, जिला खेल पदाधिकारी देवानंद कुमार, समाज सेवी विजय यादव, रूपा देवी, सुड्डू साई मौजूद थे। मैच के उद्घाटन के पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी टीमों को अलग अलग रंगों की जर्सी दी गई है। इस मैच का विधिवत आगाज कर दिया गया है। BCL सीजन 2 के मैच IPL के तर्ज पर खेले जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों की बोली लगाई गई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मैच में भागलपुर के मिर्जान हाट, बरारी, तिलका मांझी, घंटाघर, बूढ़ानाथ और चंपानगर की टीम आपस में कप को कब्जा करने के लिए भिड़ेगी। उद्घाटन के मौके पर विजय कुमार यादव, श्यामल सिंह, सुजीत कुमार केसरी, डॉक्टर नवनीत कुंज, डॉक्टर अर्जुन, रहमतुल्ला शाहरुख, सुधीर मुखर्जी, बासुकीनाथ मिश्रा, सचिन कुमार, राहुल कुमार मौजूद थे। मिला कि डिस्ट्रिक्ट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट लीग चल रहा है यहाँ पे, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया, विजय यादव जी और बासुकीनाथ
उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे आना है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब मुझे पता चला कि यहाँ पे सारी टीम, मतलब पीरपैंती से भी लोग हैं, सुल्तानगंज के भी लोग हैं और ग्रामीण इलाके से भी यहाँ पे टीम बनाया गया है, उसके साथ साथ शहर के भी यहाँ पे प्लेयर्स यहाँ पे हैं। और पहला मैच जो है वो घंटाघर और दूसरा बूढ़ानाथ दोनों के बीच में चल रहा है। और मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन दिया गया और यहाँ पे खेल जो डिस्ट्रिक्ट खेल पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बहुत अच्छा आज का दिन है। और मुझे ये पता चला कि यहाँ पे रणजी ट्रॉफी में भी कुछ लोग जो है यहाँ पे शिरकत इन्होंने किया है और इसी IPL से वो आगे बढ़ के 3 लोग के बारे में मुझे नाम बताया गया। तो ये बहुत इस ज़िले के बारे में एक गौरवान्वित करने वाली बात है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और मैं चाहता हूँ कि इसी सारी टीम यहाँ पे खेले और सब ऑडियंस जो है हर फील्ड से यहाँ पे आए और दर्शक दीर्घा में और वृद्धि हो। और ये सेंटर ऑफ द सिटी है सैंडिस कंपाउंड और मीडिया कर्मी से मैं उन लोगों को मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को